नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के औद्योगिक कस्बा धारूहेड़ा में बनाई गई श्री नंदू गौशाला में 3 दिन से चारा खत्म है। 500 से ज्यादा बेजुबान पशु भूख की वजह से अधिकारियों का मुंह ताक रहे हैं। नगरपालिका धारूहेड़ा की तरफ से पेमेंट नहीं करने की वजह से ठेकेदार ने गौशाला का चारा बंद कर दिया है। गौशाला प्रबंध का कार्य देखने वाली कार्यकारिणी के सदस्य गुरुवार को डीसी अशोक कुमार गर्ग से मिलने पहुंचे, साथ ही डीसी से चारा का प्रबंध कराने की मांग की। इससे पहले जुलाई में भी इसी तरह ठेकेदार की पेमेंट नहीं होने पर गौशाला में रखे गए नंदी और गाय कई दिन से भूखे रह रहे थे। कुछ दिन समाज सेवियों की मदद से चारा भी पहुंचा, लेकिन बाद में प्रशासनिक अधिकारियों के दखल के बाद ठेकेदार की पेमेंट नहीं हुई और फिर से चारा सुचारू रूप से गौशाला पहुंचने लगा, लेकिन अब सितंबर माह की 8 लाख की पेमेंट रोक दी गई है। अक्टूबर व नवंबर की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली, जिसकी वजह से ठेकेदार ने 3 दिन पहले चारा भेजना बंद कर दिया। 2 साल पहले धारूहेड़ा कस्बे के गरीब नगर में निकाय विभाग की 7 एकड़ जमीन पर गौशाला बनाई गई थी। गौशाला का नाम नंदू गौशाला और उपचार सेंटर रखा गया था। निकाय विभाग ने इस पर 30 लाख रुपए खर्च किए थे। गौशाला प्रबंध के लिए बनी कमेटी ने गांव-गांव कर 50 लाख रुपए से ज्यादा एकत्रित करके इसे भव्य गौशाला का रूप दिया। गौशाला में इस समय 500 से ज्यादा नंदी व गाय रखी गई हैं। गौशाला में पशुओं के चारे के लिए सरकारी स्तर पर टेंडर छोड़ा गया था। बता दें कि पिछले कई सालों से रेवाड़ी के अलावा धारूहेड़ा बवाल में पशुओं की वजह से कई लोगों की जान चली गई थी। कई लोग पूरी तरह से जख्मी हुए। उसके बाद पशुओं को पकड़ने की मांग ने जोर पकड़ा तो धारूहेड़ा में 7 एकड़ जमीन पर गौशाला बनाई गई, जिसमें पिछले 2 साल के अंदर 500 से लावारिस पशुओं को पकड़ कर रखा गया। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।